नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो मैडम और मैं हूं आपकी अपनी वंदना। क्या आप बार बार बीमार हो जाते हैं? क्या बीमार होने की वजह से आप अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छे से नहीं कर पा रहे? क्या हजारों रुपए दवाइयों पर लगाने के बाद भी आपको इलाज नहीं मिला? तो आज मैं बात करूंगी आपकी सेहत के बारे में। आज मैं बताऊंगी कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करने से आपकी सेहत में सुधार आएगा और आपकी बीमारी भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले उपाय की। एक कटोरी में पानी भर लें। इस कटोरी में काफ़ी सारा केसर मिला दें। इस कटोरी को बीमार व्यक्ति के पास रख दें। जब पानी सूख जाए तो उसमें और पानी मिला दें। ऐसा आपको तब तक करते रहना है जब तक केसर पूरी तरह ना सूख जाए। जैसे जैसे केसर सूखेगा वैसे वैसे बीमार व्यक्ति की बीमारी भी कम होगी और सेहत भी अच्छी होने लगेगी। अगर कोई बड़ी बीमारी है तो महामृत्युंजय का जाप करवाएं। महामृत्युंजय का जाप घर पर नहीं बल्कि मंदिर में करवाएं। इसके बारे में किसी को भी नहीं पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बीमार व्यक्ति को सनराइज के समय या फिर दोपहर 12 बजे सनरेज के नीचे 40 मिनट के लिए बैठाएं। सन की किरणें हर बीमारी को ख़त्म कर देती हैं। अगर बीमारी लंबे समय से है तो फिर बीमार व्यक्ति के बाएं पैर में शनिवार को काले रंग का धागा बांधें। इस धागे को अमावस्या वाले दिन खोल दें। फिर से शनिवार को बांधें और अमावस्या वाले दिन खोल दें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक बीमारी पूरी तरह ठीक ना हो जाए। उतरे हुए सभी दागों को एक साथ नदी में बहा दें। अगर समझ ना आए कि बीमारी क्या है तो फिर ये उपाय करने से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हम करेंगे मंगल के उपाय। एस्ट्रोलॉजी में मंगल को फाइटर कहा जाता है। हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में भी मंगल फाइटर का काम करता है। हमारी बॉडी में मंगल ब्लड और ब्लड सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड वी ऑल नो इन आर बॉडी वाइट ब्लड सेल्स आर द वंस विच फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस इन आर बॉडी। हम जानते ही हैं कि मंगल मंगलवार से जुड़ा है और मंगलवार हनुमान जी का दिन है। तो ऐसे में हनुमान जी के उपाय करने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके लिए 2 मीठे पान और 11 पीले लड्डू हनुमान जी को चढ़ाएं। ऐसा आप हर मंगलवार 11 मंगलवार के लिए कीजिए। इसके साथ साथ बीमार व्यक्ति के खाने का भी ध्यान रखिए। बीमार व्यक्ति को खाने में मसूर की दाल, सलाद में गाजर, बीटरूट और प्याज, खाने के बाद थोड़ा सा गुड़, फ्रूट्स में चेरी और अनार, खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ और सुबह पानी में शहद मिला कर दें। इसके साथ साथ डाइट 10:20:70 होनी चाहिए, जिसमें 10% ग्रेन्स जैसे कि आटा, मक्की, चावल होने चाहिए, 20% वेजिटेबल्स और 70% फ्रूट्स होने चाहिए। ये करके देखिए, ठीक 7 दिन के अंदर अंदर आपकी सेहत में सुधार आने लगेगा। अगर बीमार व्यक्ति के बेड के बॉक्स में कांच या फिर पुराने कपड़े हैं तो उन्हें तुरंत निकाल दें, क्योंकि पुराने कपड़े राहु और शनि का प्रभाव बढ़ाते हैं, जिससे बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती। किसी भी शनिवार वाले दिन एक काला कंबल या फिर काला तवा लें। इसे बीमार व्यक्ति के हाथों गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद या जहां भी आपको अच्छा लगे वहां पर दान करवा दें। इससे बीमारी बहुत जल्दी ठीक होगी और बीमार व्यक्ति को बहुत जल्दी रिलीफ भी मिलेगा। अब एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, जिसे करने से बीमार व्यक्ति की सेहत में एक दिन के अंदर अंदर सुधार आने लगेगा। हमारी बड़ी बुरी आदत है कि हम अपनी मेडिसिंस को हमारे साइड टेबल्स पर रख लेते हैं। इससे बीमारी का घर बनता है, इससे बीमारी बढ़ती है। इसलिए आपको अपनी दवाइयों को अपने साइड टेबल्स पर नहीं बल्कि अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रखना है। अपनी सभी दवाइयों को एक डब्बे में डालकर घर के नॉर्थ ईस्ट में रख दें। ध्यान रखें, डब्बा लाल रंग का नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स और अपनी प्रिस्क्रिप्शंस को भी रख सकते हैं। देखिए, एक दिन के अंदर अंदर ही आपकी तबीयत में सुधार आने लगेगा।
इसके साथ साथ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ही 24 घंटे के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप चला कर रखें और देखिए कितनी जल्दी सुधार आएगा आपकी सेहत में। ये काफ़ी ही अच्छे उपाय हैं, करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी सेहत में बहुत जल्दी सुधार आएगा और आप अपने एक्सपीरियंस इसको हमारे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुखी रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद और नमस्कार। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।